फेस्टिवल सीजन इज गोइंग ऑन और खाने का मन हो रहा है मीठा, घेवर और स्वीट। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ आगरा के देवी राम फूड सर्कल पे, जो कि अपने फूड और स्वीट्स के लिए बेहद मशहूर है। चलिए चलकर देखते हैं। तो गाइस, आज के टाइम में ना सबसे पहला हर बंदा देखता है इंटीरियर। तो गाइस, इंटीरियर की बात की जाए ना तो काफी अमेजिंग, काफी लार्ज इंटीरियर बना रखा है, लार्ज सिटिंग दे रखी है, लार्ज स्पेस दे रखा है, काफी अमेजिंग है। सो गाइस, देवी राम फूड सर्कल इज द बेस्ट प्लेस फॉर द ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। सो गाइस, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको पॉप्स कैंडीज मिल जाएंगे, जैसे कि बच्चों को पसंद होता है, केक्स इजेंस फ्लेवर्स मिल जाएंगे, जूस फ्लेवर्स मिल जाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, एवरीथिंग हियर। सो गाइस, सबसे पहले करेंगे यहाँ के स्वीट्स की, क्योंकि हम स्वीट्स के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। एवरी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, रसमलाई से लेकर के रबड़ी तक, काजू केसर बर्फी से लेकर काजू गुजिया तक, काजू कलस तक, सारा कुछ आपको इजीली मिल जाएगा। ऑल टाइप्स नमकीन की स्नैक्स वैरायटीज मिल जाएगी, आपे के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाते हैं, हैंपर्स फ्लेवर्स ऑफ लड्डूज मिल जाएंगे, जो भी फ्लेवर्स के लड्डूज आपको चाहिए वो सभी फ्लेवर्स आपको यहाँ इजीली मिल जाएगा, कस्टमाइज गिफ्ट स्नैक्स प्लेटर्स मिल जाएंगे, जो भी स्नैक्स आपको चाहिए होंगे वो सभी स्नैक्स आपको प्यारे से स्नैक्स प्लेटर्स में मिल जाएगा, है ना ब्यूटीफुल, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ के घेवर की। तो भाई, राजस्थानी ड्राई फ्रूट्स घेवर आपको इजीली मिल जाएगा, देवी राम घेवर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर मैंने अपने लिए लगवाई यहाँ पर गिफ्ट हैम्पर वाली काजू वाली गुजिया, है ना ब्यूटीफुल, मतलब कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ हम ट्राई करेंगे देवी राम स्पेशल घेवर, यहाँ पर मैंने ट्राई किया है राजस्थानी ड्राई फ्रूट्स घेवर, जो कि 900 रुपीज पर केजी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई, मैंने अपने लिए ये घेवर ले लिया। भाई, तोड़ने में ये थोड़ा सा हार्ड था, बट यार ये खाने में ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मतलब मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने ट्राई किया यहाँ का मिनी वाला घेवर। मिनी घेवर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारा सा था, और खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पंजी था, बहुत ईजिली मुझसे टूट गया और ये खाने में एकदम घुल गया, मतलब माउथ वाटरिंग, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के कस्टमाइज गिफ्ट हैम्पर की। आप किसी भी तरीके की गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर रेडी करवा सकते हैं। तो दिस फेस्टिवल सीजन अगर आप भी किसी को गिफ्ट प्लान कर रहे हैं ना, तो भाई जल्दी से आ जाओ देवी राम फूड सर्कल पे, यहाँ पे आपको आप ही के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके हैम्पर्स को रेडी करके दिया जाएगा। तो गाइस, मैं तो चली इस प्यारे से हैम्पर को लेके अपने साथ अपने घर, देर किस बात की, जल्दी से आ जाओ आप भी। फिर मैंने लास्ट में यहाँ ट्राई किया देसी घी वाली दाल बाटी, क्योंकि दाल बाटी के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ था, बट ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। तो भाई एक बार शेप देख लो, और अंदर इसकी जो फिलिंग है ना काफी बढ़िया, इसमें काफी सारे पोटैटोज, वेजीज और बहुत कुछ डाला गया है, इसे मखनी दाल और मैंने चटनी के साथ ट्राई किया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर ट्राई की है मोस्ट यूनिक एंड देसी डेजर्ट, जिसको कहा जाता है फेनी, और ये कल्चरल डेजर्ट है, हमारे कल्चर से खाई जाने वाली है ये। भाई एक बार देख लो, लच्छेदार फेनी, इसको गर्म दूध में इस तरीके से डुबो कर दिया जाता है, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये खाने में ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं। आप ही के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें चीनी यूज करना चाहें, चीनी खाना चाहें, तो आप मीठा भी करवा सकते हैं। और भाई एक बार चेकआउट कर लो, कितनी ज्यादा लच्छेदार फेनी है ये, और ये खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी, मतलब बेस्ट डेजर्ट लगा। इसके बाद लास्ट मैंने जो ट्राई किया है वो है चॉकलेट ब्राउनी, क्योंकि चॉकलेट ब्राउनी तो मैं हर जगह ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ मुझे स्पेशल यूनिक इसलिए लगा क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में था, कट करके दिया था, और ये खाने में मुझे काफी बढ़िया लगा, काफी हार्ड था बट ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। फिर मैंने ट्राई किया अपना फेवरेट रस मलाई, क्योंकि रस मलाई मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। देन मैंने चाट काउंटर पे ट्राई किया राज कचौड़ी, जैसे कि लोग बोलते हैं यहाँ की राज कचौड़ी बहुत ही ज्यादा फेमस, और मुझे ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी। देन मैंने ट्राई किया पापड़ी चाट, पापड़ी चाट के बिना हर चाट अधूरा है यार। तो गाइस, देर के ऑल अबाउट माय वंडरफुल एक्सपीरियंस जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, रक्षाबंधन आ रहा है, टैग करना भाइयों को बिल्कुल मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं दूसरे प्लेस में नए खाने के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।